हमारे शरीर में कई सारी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होते रहती है जिसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे जीवन सत्व और मिनरल्स। हम तो सारे मिनरल्स को तो काफ़ी जानते हैं, विटामिन्स को जानते हैं, लेकिन एक ऐसा मिनरल है जो सबसे आवश्यक लेकिन सबसे दुर्लक्षित है, वो है मैग्नीशियम। आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। क्या है मैग्नीशियम? हमारे शरीर में कई आवश्यक तत्व होते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन मैग्नीशियम ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है नंबर दो पे, जो बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम हमारे शरीर में नहीं बनता है, हमें वो बाहर से ही लेना होता है और कई चीज़ों में पाया जाता है जैसे पालक, दही, बादाम वगैरह। कुछ और चीज़ों में आप देख सकते हो जिसमें मैग्नीशियम होता है जैसे केला, काला चॉकलेट, अंजीर, बटरफ्रूट और राजमा जैसी चीज़ों में पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है। मैग्नीशियम का रोल ऐसे 300 रासायनिक प्रक्रिया में उसका आवश्यक होना बहुत 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 ज़रूरी होता है, इसलिए मैग्नीशियम का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैग्नीशियम बहुत सी चीज़ों में, हमारे शरीर के कई अंगों में इसका प्रभाव होता है और उसमें आवश्यक होता है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जैसे है हार्ट हेल्थ, यानी अपना हृदय से संबंधित। हमारी हृदय को अच्छी तरह से काम करने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है। कई चीज़ों में पाया गया है कि जब मैग्नीशियम नहीं होता तो हृदय क्रिया भी बंद पड़ सकती है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मैग्नीशियम की कमी होती जाती है और हमारे हड्डियों में कमज़ोरी आती है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में होता है। तीसरा, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट, जिसको हम डिसऑर्डर मानते हैं, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, खून में शक्कर का बढ़ जाना। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत मदद देता है। याददाश्त को तेज रखना और मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखना, ये मैग्नीशियम का काम है, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। काम के तनाव और हमारी जैसे लाइफस्टाइल आजकल है उसमें डिप्रेशन बहुत बड़ा आजकल एक रोल माना गया है, अब डिप्रेशन में भी मैग्नीशियम बहुत असरदार है। दिन भर के काम के बाद हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नींद आए। जिनको अच्छी नींद आती है उसका मतलब है वो स्वस्थ हैं, लेकिन जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी जिनको नींद नहीं आती है, इंसोमनिया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें बहुत मैग्नीशियम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और एक इसका फ़ायदा, हमारी धमनियाँ यानी जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, इसकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से खून बहता है और वो अगर कड़क हो जाएँ या स्टिफ हो जाएँ तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ना और बहुत सारी बाकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी कंडीशंस यहाँ लिखी हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस रखना मैग्नीशियम कारगर है, इमोशंस, एनर्जी और तनाव और हेल्दी ब्लड शुगर रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पर भी और कुछ चीज़ें आपके सामने हैं जिसमें मैग्नीशियम सपोर्ट करता है। अब ऐसी चीज़ है कि जैसे हम तो कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड शुगर हो, विटामिन्स की कमी हो, विटामिन D3 हो, इन सारी चीज़ों की आजकल लेबोरेटरी में टेस्ट होती है, लेकिन मैग्नीशियम की टेस्ट कहीं नहीं होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें मैग्नीशियम की कमी हो गई है या हम स्वस्थ हैं। इसके लिए कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, कुछ सिम्टम्स को अगर हमने ध्यान में रखा तो हमको समझ में आएगा कि हमें मैग्नीशियम की कमी है। ये कौन सी चीज़ें हैं? जैसे थकान होना, जैसे कानों में कुछ आवाज़ आना, क्रैम्प्स आना, जो मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमन माना जाता है, खाने की इच्छा न होना यानी जिसको सैटाइटी कहते हैं, कि भूख ही नहीं लगना वगैरह वगैरह। ये चीज़ें अगर